और इसी बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे। एएसआई आज हाईकोर्ट में रखेगी भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट। तो देखिए, एएसआई की तरफ से सर्वे किया गया और एएसआई सर्वे में भोजशाला में मंदिर होने के सबूत मिले। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 98 दिन के सर्वे के आधार पर एएसआई ने रिपोर्ट बनाई है, जो रिपोर्ट आपको ये बताते चले कि हाईकोर्ट में रिपोर्ट रखी जाएगी एएसआई की तरफ से। और 98 दिन के सर्वे के आधार पर एएसआई ने रिपोर्ट तैयार की है। सर्वे में 1700 से ज्यादा पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और सर्वे का वीडियो और फोटो हाईकोर्ट को सौंपेगी एएसआई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एएसआई आज हाईकोर्ट में रखेगी भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट। एएसआई सर्वे में भोजशाला में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। सोर्सेज के हवाले से जानकारी सामने आई है। और 98 दिन के सर्वे के आधार पर एएसआई ने रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में रखी जाएगी एएसआई की तरफ से। 1700 से ज्यादा पुरातात्विक अवशेष ये सर्वे में बात निकलकर सामने आई है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और सर्वे का वीडियो और फोटो हाईकोर्ट को सौंपेगी एएसआई। तो इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला में सर्वे का आदेश दिया था। भोजशाला में 22 मार्च से 27 जून तक सर्वे किया गया। 98 दिन तक ये सर्वे चला और खुदाई की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई है। और देखिए, आज एएसआई हाईकोर्ट में ये पूरी जो रिपोर्ट है वो रखेगी और इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि एएसआई सर्वे में भोजशाला में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। देखिए, सर्वे के दौरान लगातार विरोध किया गया, लेकिन एएसआई की टीम वहां पर पहुंची अपने सारे इक्विपमेंट्स लेकर और लगातार ये सर्वे जारी रहा। 98 दिन के सर्वे की रिपोर्ट अब तैयार हो चुकी है और ये रिपोर्ट आज एएसआई हाईकोर्ट में पेश करने जा रही है। 98 दिन के सर्वे के आधार पर एएसआई ने रिपोर्ट बनाई है, जो कि आज हाईकोर्ट में पेश होना है। सर्वे में 1700 से ज्यादा पुरातात्विक अवशेष मिले हैं और सर्वे का वीडियो और फोटो हाईकोर्ट को सौंपेगी एएसआई। इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला में सर्वे का आदेश दिया था और भोजशाला में 22 मार्च से 27 जून तक सर्वे किया गया। खुदाई की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई।